दिल्ली में कथित शराब घोटाले की जांच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। इस मामले में सीबीआई आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। उन्हें 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए पेश होने का समन जारी किया गया। संसद भवन के लॉन में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। संसद भवन के लॉन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किया। दिल्ली के संसद भवन के लॉन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत अन्य नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा और अशोक स्तंभ का उद्घाटन भी किया गया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यूपी सीएम योगी ने पावन पर बैसाखी की ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा है कि खेत खलिहान सदा हरे भरे रहे, हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा चेतना का संचार हो। पंजाब में बैसाखी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल के सरोवर में पवित्र स्नान किया। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में बैसाखी के मौके पर श्रद्धालुओं ने अरदास की। पंजाब के रूपनगर के आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में बैसाखी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रार्थना की। उत्तराखंड के हरिद्वार में बैसाखी पर्व के अवसर पर हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने पावन स्नान किया। आरएसएस को तमिलनाडु पुलिस ने राज्य में 16 अप्रैल को रूट मार्च निकालने की अनुमति दी। मद्रास हाईकोर्ट के इस संबंध में आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की अपील को सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को खारिज होने के बाद पुलिस ने यह अनुमति दी। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 11,000 से ज्यादा केस, वहीं इस दौरान 29 लोगों की गई जान। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर आबकारी नीति मामले में जांच पर गंभीर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगर इतनी दिक्कत है तो केजरीवाल, मनीष और सत्येंद्र को जहर दे दो। झांसी एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। गुरुवार देर रात 2 बजे तक 3 डॉक्टरों के पैनल ने दोनों मृतकों के पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट के मुताबिक माफिया के बेटे असद को 2 गोलियां लगी थी जबकि शूटर गुलाम को एक ही गोली लगी। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर को लेकर के 3 FIR दर्ज की गई। गुरुवार को झांसी के बाड़गावा थाने में SGF के डिप्टी SP नवेंदु कुमार ने ये FIR दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि पुलिस ने उमेश पाल की हत्या के आरोपी असद अहमद और गुलाम को उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिंदा पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन दोनों तरफ से गोलीबाजी में वो घायल हो गए और फिर उनकी मौत हो गई। एनकाउंटर में मारे गए गुलाम के भाई राहिल ने कहा है कि सरकार की तरफ से एनकाउंटर की कार्रवाई सही है, उन्होंने बहुत जघन्य अपराध किया जिसका हम समर्थन नहीं करते, साथ ही शव ले जाने से भी मना किया। एनकाउंटर में मारे गए गुलाम की मां खुशनुदा ने कहा है कि जितने भी गंदा काम करने वाले हैं वो जिंदगी भर याद रखेंगे, हमारे हिसाब से UPSTF ने सही किया। असद और गुलाम के शव झांसी से प्रयागराज लाए जाएंगे। असद को अतीक के घर के सामने कसारी मसारी कब्रिस्तान में, गुलाम को तेलियारगंज में मदौरी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। असद के एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद पेशी के दौरान कोर्ट में फुट फुट कर रोया अतीक अहमद। अतीक ने कहा है कि सब मेरी वजह से हुआ, असद की कोई गलती नहीं थी, साथ ही कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा गम बुजुर्ग पिता के कंधों पर जवान बेटे का शव होता है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने असद एनकाउंटर पर कहा है कि पहले दिन बीजेपी चुनाव को देखते हुए एनकाउंटर कर रही है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने एक ब्राह्मण माँ बेटी पर बुलडोजर चलाया उन्हें क्यों नहीं मिट्टी में मिलाया। माफिया आतिक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बेटे के जनाजे में शामिल हो सकती है। शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी को लेकर के सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मी तैनात। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद ने कबूला कि उसके पाकिस्तानी की आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से सीधे संबंध है। पाकिस्तान से हथियार ड्रोन की मदद से पंजाब की सीमा पर गिराए जाते हैं। यूपी पुलिस ने यह बात दाखिल चार्जशीट में कही। बताया जा रहा है कि उमेश पर हत्याकांड से पहले शाइस्ता ने असद को हत्याकांड में शामिल होने से अतीक को इनकार किया था। उसके बाद भी कहा कि असद अभी बच्चा है। अतीक ने शाइस्ता को डांटा और कहा कि असद शेर का बच्चा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता ने साबरमती जेल में बंद अतीक को फोन किया और उमेश पाल हत्याकांड की जानकारी दी। तब अतीक ने कहा था कि आज मैं 18 साल बाद चैन के लिए सोऊंगा। असद के एनकाउंटर पर उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा है कि पति के कातिलों को सजा मिली, एनकाउंटर से इंसाफ हुआ है, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद। असद के एनकाउंटर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा है कि यूपी में लगातार फेक एनकाउंटर होते जा रहे हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। यह मुलाकात दिल्ली में खड़गे के आवास पर हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों के लिए हम होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलाक की बाइक सवार तीन युवकों द्वारा रेकी करने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को बलिया जिले में गंगा नदी के प्रदूषण से संबंधित एक मामले में दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के सहित उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। असम के नववर्ष पर मनाए जाने वाले रंगोली पर्व के अवसर पर लोक नृत्य बिहू और पारंपरिक संगीत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज करा लिया। वाशिंगटन डीसी में उद्यमियों और नेताओं के रूप में महिलाओं को सशक्त बनाने पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2014 में भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख योजना शुरू की गई कि प्रत्येक भारतीय के पास बैंक खाता हो। सरकार द्वारा छोटे व्यवसायियों के लिए ऋण को बढ़ाया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के लिए सकारात्मक रूप से बहुत कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि हम सभी को इसका हिस्सा बनना चाहिए। दिल्ली के मौसम भवन परिसर में एक कार और कचरा डंपिंग ग्राउंड में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने चार गाड़ियों पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से फोन कर बातचीत की। इस दौरान ऋषि सुनक ने भारत की अध्यक्षता में चल रहे G20 सम्मेलन के लिए ब्रिटेन के पूर्ण समर्थन की बात को दोहराया। अप्रैल में सुलगती गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। कई इलाकों में हीट वेव चल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने और गर्मी बढ़ने का पूर्वानुमान जताया है। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद उमेश पाल हत्याकांड में शहीद हुए सिपाही राघवेंद्र के परिजनों ने खुशी जताई। शहीद राघवेंद्र की मां अरुणा सिंह और बहन प्रिया सिंह ने दोनों आरोपियों के मारे जाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। मुरादाबाद में शराब पीने से दो लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। परिजनों ने ठेकेदार पर जहरीली शराब बेचने का लगाया आरोप। आगरा जेल के वरिष्ठ अधीक्षक डिप्टी जेल पर लगे अतिरिक्त आहार में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप। जेल में तैनात डॉक्टर कुमार गुप्ता ने लगाए गंभीर आरोप। चार दिन के अतिरिक्त फर्जी आहार पर हस्ताक्षर करने का आरोप।
बुलंदशहर में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार भाई बहन की हुई दर्दनाक मौत। हादसे में एक अन्य युवक हुआ घायल, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर, सांसद संजय राउत ने कहा कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुंबई में हुए, हमारे यहां उनके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की उपाधि दी गई। रायबरेली में आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया, नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार पूनम किन्नर को बनाया। अलीगढ़ में दो बाइकों में हुई जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक युवक की मौत, दो घायल। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से गर्भवती महिला की मौत, डिप्टी सीएम ने अस्पताल को सील करने का दिया आदेश। संभल में विधायक इकबाल महमूद की इंजेक्शन सीरिंज फैक्ट्री में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू, आग लगने से करीब 25 लाख रुपए के अधिक का नुकसान। देवरिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार से करीब 250 लीटर अवैध हरियाणा निर्मित शराब बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश नंद को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी पर लूट और चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज। पुष्कर सिंह धामी ने कटिमा पहुंचकर के उत्तरांचल पंजाबी महासभा की तरफ से आयोजित वैशाखी मेला का दीप जला करके शुभारंभ किया। इस दौरान पंजाबी महासभा की तरफ से सीएम धामी को पगड़ी पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 16 अप्रैल को पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत गांव गुंजू पहुंचेंगे और वहां की जनता से बातचीत करेंगे। पिथौरागढ़ में बैसाखी पर लगने वाले 3 दिवसीय थल मेला महोत्सव का हुआ आगाज, मेले का उद्घाटन विधायक विशन सिंह चुफाल ने किया। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती मनमानी के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। यूकेडी में अभिभावकों से मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू होने से पहले सचिव स्वास्थ्य ने मुख्य पड़ाव गोविंद घाट पहुंच करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वैशाखी के पर्व पर धर्म नगरी हरिद्वार में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। हर की पैड़ी समेत कई गंगा घाटों पर श्रद्धालु स्नान किया। भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा 9 लोगों की मौत केरल में हुई। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 1527 नए मामले सामने आए। हल्द्वानी में आज बाबा भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने माल्यार्पण कर बाबा भीमराव अंबेडकर को याद किया। ऊखी मठ स्थित श्री ओमकारेश्वर मंदिर परिसर में ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के कोठा भवन के जीर्णोद्धार और परिसर के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्यों का भूमि पूजन किया गया।